सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 9th क्लास का प्रश्न नंबर 40 पढ़ेंगे। ये आपको हमने लाइन और एंगल के जो 1 से लेकर के 39 तक के क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए थे। आज हम त्रिभुज शुरू करेंगे और अब हम इसको पूरा सिलेबस करेंगे जितना भी ज्योमेट्री का हमारा बचता है। तो प्रश्न नंबर 40 है, ए बी रेखा पर सम त्रिबाहु त्रिभुज बनाओ। तो कैसे बनेगी ये सम त्रिबाहु, मीन्स तीनों भुजाएं बराबर है इसकी। तो सबसे पहले हम एक ए बी रेखा लेते हैं, ये हमारी ए बी रेखा है, ए और बी। हमने क्या करना है, सम त्रिबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर होगी, जितनी ये ए बी रेखा है इतनी हमने प्रकार खोलनी है, ए से बी जितनी या बी से ए जितनी प्रकार खोल लेंगे। और हम यहां से डॉटेड चाप लगा देंगे इस तरह से। आपने इसकी डेफिनेशंस लर्न करनी है तभी आप समझ पाएंगे कि सम त्रिबाहु किसे कहते हैं या सम द्विबाहु किसे कहते हैं या विषम बाहु किसे कहते हैं। इस तरह से फिर ए पर प्रकार रखो और प्रकार उतनी रखो जितनी पहले खोल रखी थी, तो ये बी तक जाएगी आपकी। और इस तरह आपने डॉटेड चापे लगानी है इस तरह से, जहां पे आपकी मिल रही है जिस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं यहां पे सी, और आपने सी और ए को मिला दो और सी और बी को, तो हम सी और बी को पहले मिलाते हैं डार्क, और ये आपका इस तरह से ये हमारी बन जाती है सम त्रिबाहु त्रिभुज, या इसको सम त्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं या फिर सम बाहु त्रिभुज भी इसको कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर है 40, ये हमारा बनके कंप्लीट हो। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, ए बी रेखा पर सम द्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि आधार ए बी और एक भुजा डी दी हुई है। तो पहले हमने समबाहु या सम त्रिबाहु त्रिभुज बनाई थी, अब सम द्विबाहु मीन जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो ये हमने सबसे पहले हमें एक भुजा दी हुई है डी, तो ये हम भुजा ले लेते हैं डी। ये देखिए ये हमने एक भुजा ले ली है डी, और हमने रेखा लेनी है ए बी, तो यहाँ पे हम ए बी रेखा ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे बी। और हमने क्या करना है, एक भुजा तो आ गई है त्रिभुज, तीन भुजाएं होती है, एक भुजा ये है, इतनी हम जो है वो प्रकार खोल देंगे जितनी ये आपकी भुजा है ये आप देख सकते हैं, इतनी प्रकार खोल रहा हूं यहाँ पे, ये इतनी प्रकार हमने खोल दिए। और अब हमने ए पर प्रकार करके चाप लगा देनी है इस तरह से, बी पर प्रकार रखेंगे, इस चाप को हम काट देंगे इस तरह से। जहां ये कट रही है ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे सी, सी को हम ए के साथ मिला देंगे डार्क इस तरह से, और सी को हम बी के साथ मिला देंगे इस तरह से। आपकी सम बाहु त्रिभुज और सम द्विबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो गई है। ये आपका प्रश्न नंबर है 41।